अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने किसी न किसी बयान को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। इस बार कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की जान कैसे बचाई जाए, इस पे एक नई थ्योरी पेश की है। ट्रंप का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के सबसे ज्यादा नुकसान उसके फेफड़ों में होता है, तो अगर एक इंजेक्शन के जरिए उसके फेफड़ों को क्लीन कर दिया जाए तो इसका इलाज किया जा सकता है। गुरुवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि रिसर्च में सामने आया है कि कोरोना वायरस का अलग अलग तापमान, मौसमों और सरफेस पर व्यवहार कैसे बदल रहा है। बातचीत के दौरान ट्रंप ने अचानक दावा किया, मैंने देखा कि कैसे फेफड़ों में मौजूद इन्फेक्टेड एरिया को क्लीन कर दिया गया। हम ऐसा ही कुछ कर सकते हैं कि फेफड़ों के भीतर इंजेक्शन लगा दें जिससे अंदर का सारा इन्फेक्शन क्लीन हो जाए। ये क्लीनिंग जैसा कुछ हो सकता है क्योंकि ये वायरस फेफड़ों पर सबसे ज्यादा असर करता है और इससे ही सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। हमें इसके बारे में पता लगाना चाहिए, डॉक्टर से इसके बारे में सलाह लेनी चाहिए, लेकिन ये आइडिया काफी अच्छा लग रहा है। कोरोना संक्रमण को लेकर ट्रंप जब ये थ्योरी दे रहे थे तो व्हाइट हाउस टास्क फोर्स के डॉक्टर्स भी उस समय वहां मौजूद थे, हालांकि उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर उनका काफी मजाक उड़ाया गया। कई लोगों ने कहा कि ऐसा ही चलता रहा तो ट्रंप कुछ दिनों में कोरोना वायरस को अल्ट्रा वायलेट किरणों से भी जलाकर मारना चाहेंगे। गार्जियन के मुताबिक ट्रंप के इस दावे को कई नामी डॉक्टर्स ने गलत बताया है और फेफड़ों की सफाई या फिर अल्ट्रा वायलेट किरणों से इसके इलाज को पागलपन करार दिया है। डॉक्टर्स के अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर रॉबर्ट रीच ने कहा, ट्रंप जो गलत जानकारियां साझा कर रहे हैं ये आम लोगों की जिंदगी के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे प्रोपेगेंडा को खारिज करना चाहिए, सिर्फ डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की बात मानिए और कृपया करके फेफड़े साफ करने के लिए कुछ मत पीजिए। ट्रंप के इस दावे के बाद लोगों ने ट्विटर पर उनकी काफी आलोचना की। लोगों का कहना है कि ट्रंप के इस बयान के चलते अगर किसी की मौत हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा। अगर मैं पाकिस्तान का कोच बना तो बिल्कुल बताऊंगा, अभी तो अभी क्या बताऊंगा। जब कंगना फिल्म में होती है तो कितने लोगों को दिक्कत होती है, ये आप खुद नोटिस कीजिए। मैं आपके तरह किताबें पढ़ के नहीं आता हूँ लेकिन ग्राउंड की रियलिटी महसूस करके।